नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग हासिल का घटाव करना सीखेंगे। हासिल के घटाव में बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप किसी भी प्रकार के घटाव को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हासिल के घटाव में क्या करना होता है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना होता है। लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हम कैसे घटाएंगे आइए जानते हैं। देखिए, इस जीरो में से 5 को घटाने के लिए सबसे पहले इस जीरो को बड़ा करना होगा। यह जीरो खुद को बड़ा करने के लिए क्या करेगा, इधर से एक हासिल लेगा। ठीक है, यह जीरो वाला इस जीरो वाले से जो है हासिल मांगने के लिए जाएगा। जब यह जीरो वाला इस जीरो वाले के पास हासिल मांगने के लिए जाएगा, तो यह खुद जीरो है, इसके पास नहीं है, तो यह जीरो वाला जो है इस जीरो वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके पास भी नहीं है, यह जीरो वाला इस जीरो के पास जाएगा, इस पे इसके पास भी नहीं है, तो फाइनली यह जीरो वाला जो है 8 के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो 8 धनी आदमी है, यह जो है इस जीरो वाले को 1 देगा। ठीक है, जब 8 जो है इस जीरो वाले को 1 देगा, तो यह 10 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यह जीरो वाला जो है 10 कैसे बनेगा, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जीरो है, ठीक है, जब यह 8 वाला जो है इस जीरो वाले को 1 देगा, तो यह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, जब यह जीरो वाला 10 बन गया, तो यह जो है इसको 1 देगा, क्योंकि इसने जो है इससे मांगा था। तो जब यह 10 वाला जो है इसको 1 देगा, तो जब हम 10 में से 1 को घटाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो जब यह 10 वाला जो है इस जीरो वाले को 1 देगा, तो क्या बच जाएगा, 9 बचेगा। यह जीरो वाला जो है 9 हो जाएगा, और यह जीरो वाला जो है 10 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यह 10 वाला क्या करेगा, इस जीरो वाले को 1 देगा। ठीक है, तो यह फिर से यह 9 बन जाएगा, और यह जीरो वाला जो है 10 बन जाएगा। फिर यह 10 वाला जो है इसको जो है 1 देगा, तो यह 9 बन जाएगा, और यह जो है लास्ट वाला जीरो जो है 10 बन जाएगा। फाइनली यह लास्ट वाला जीरो जो है आपका 10 हो गया, और बाकी तीनों जीरो जो है 9 बन चुका है। ठीक है, तो हम 10 में से 5 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद यह तीनों जीरो जो है 9 बन चुका है, 9 में से 9 को घटाएंगे, 0 बचेगा। 9 में से 8 को घटाएंगे, 1 बचेगा। 9 में से जो है 7 को घटाएंगे, 2 बचेगा। उसके बाद जो है यह 8 वाला जो है 1 इसको दे करके यह 7 बन चुका है, 7 में से 5 को घटाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हासिल का घटाव किया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।